इतने जोर से हंस रही थी अभी किधर गई? जायरा जायरा उतरने लगी क्या? पहुंच गई जायरा 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 बैड गर्ल, यू आर बैड गर्ल। दादी को कहती हो बैड गर्ल? नो जायरा तो मेरे क्यूटी छपाए है बेबी, छोटा चा बस उसका ध्यान अब उधर लगाओ। दादी पोती जायरा नो ओके किसी कर दो पप्पी कर दो एक पप्पी करो अच्छा खुदा हाफिज जायरा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अच्छा बाय बाय, चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बस वॉक कंटिन्यू की है और कोई इशू नहीं है सो फार। बेशक ये रोड बन रहे हैं हमारे यहाँ, आपको बताओ को फौरी बना के तो हट नहीं जाना, वो मिट्टी धूल इतनी शदीद है। अब मसला ये हो रहा है कि अगर मैं मास्क पहन के आता हूँ तो वॉक में फिर ब्रीथिंग का थोड़ा सा इशू बनता है। और मैंने कहा यार थोड़ी सी ये मुल्क की थोड़ी सी डस्ट है, इसको इनहेल करते हैं कुछ नहीं होता। और मुझे एक्चुअली कोई ऐसा इशू है भी नहीं, ये जो थोड़ा सा सांस आप देख रहे हैं उखड़ा उखड़ा, ये मुझे नॉर्मली हो रहा जब मैं ज़्यादा वॉक करता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। तो ये डॉक्टरों ने कहा था इसको टाइम लगेगा थोड़ा, बाकी मुझे कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम कोई शुक्र अल्लाह का कोई नहीं। बस दुआओं में आप याद रखें। मैंने कहा सुबह अर्ली मॉर्निंग आप सब लोग से सलाम दुआ कर लीजिए, बाकी बातें घर जा के फिर वहाँ करेंगे। इन्होंने हेल्प कर दी मेरी, सामान भी रख दिया। देखिए हालात में इसकी मेंटेनेंस के लिए उनका पैसा नहीं मिलता कि वो मेंटेनेंस कर लें, बस जैसे ही खत्ता हाथ में चलाते रहते भी वो डंग आगे निकल जाए। तो चलो ठीक है, आपको बनाने की वीडियो में तो नहीं लूँ आपको? नहीं नहीं, मैंने कहा आपको अगर आपको अच्छा नहीं पता नहीं लगे। ये सारे कपड़े मैंने ही धोने हैं, इतना सर्फ लेकर ग्रोसरी में करके आया हूँ, देखो इतनी सारी। हाँ। वो मेरे मस्जिद को ज्यादा फासला नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने रिक्शा लिया आस पास। अच्छा अच्छा, शुक्र अभी तक तुमने बोला नहीं फजूल खर्ची की रिक्शे। नहीं, ये ग्रोसरी सारी घर लेके आए, लेकिन देखें क्या क्या जाओ मुझे क्या क्या चीजें। ये तो सब्जी भाजी चल रही है, सब्जी को क्या दिखाना? लेकिन आप ये बताएं कि इनमें से आप लोग कौन दो ले आए? मैंने कहा कल तो फिर मुझे पूछ रहे हैं कि वो लोग कौन सा यूज करते हैं, मुझे फिर भेजोगी तो मैंने कहा चलो। और कौन सा अच्छा है, मैंने दोनों ही मंगा लिए। और ये तो फिर बार है, वो लिक्विड भी है और स्कॉच ब्राइट। और ये तो फिर बटर है, बटर इसको तो फौरन फ्रिज में रखो। अब ये को मैंने भी अपनी वीडियो को थोड़ा खींचना कि नहीं, इसी बहाने मेरी वीडियो थोड़ी सी हो गई। बताती जाओ क्या चीज है मैं जो लाया हूँ। ये वो है फ्रूट मिक्स, मैंने उन्हीं पे छोड़ा वो। और ये मिल्क पैक, ये वो है क्रीम है जो हम लोग बनाते हैं इसमें, क्योंकि हमारे ग्रोसरी हालांकि एक दफा वो भारी आए थे वो करवा के गए, लेकिन आपको पता है फिर भी छोटा छोटा हर चीज चाहिए होता है। पास्ता है और ये चाट मसाला, चाट दोनों चाहिए, जलियां हैं और मायोनीज है, बच्चे आते हैं तो उनके लिए केचप। आपको पता है मैं लेके तो रखती हूँ, मैं खुद तो ये चीजें खाती नहीं, बच्चे अच्छे आते हैं कोई आएंगे तो अचानक उनके लिए कुछ चीज होनी चाहिए। इतनी सारी लाल मिर्चें, बस वो दे दो चलो। और किशमिश और दाले ये सारी लेकर आया था उस दिन, मुझे कब बताया लेकर आया? आपको कुछ नहीं होता, चलो पड़ी रहेगी कुछ नहीं होता, वापस नहीं कर लेते। बादाम है, दाले हैं, चने हैं, साबुत घर के फेवरेट, ये जो बनाने की दाल है। अच्छा बासमती राइस का मुझे बड़ा चक्कर पड़ रहा था, तो वो मुझे हीरा ने जो बताए थे, मुगल बताए थे, जहर वहाँ जाके भूल गए, पता नहीं क्या नाम है।
नहीं, वो लड़का गलत बयान नहीं करता, वो जो है ना, नहीं नहीं वो दुकान वाला, उसने कहा कि ये अच्छे चलते हैं, अगर ना समझ आए, एक मर तो आप पकाए ना आपने, तो मैंने कहा बोलो तो पके हुए दे जाऊं। बाकी ये कोल्ड ड्रिंक्स भी हम नहीं पीते हैं, आपको पता है हम तो कनाडा में भी नहीं पीते, ये बच्चों के लिए, वो बच्चे उनके पास बच्चे हैं। और इन केस कभी, ये पता नहीं कौन सी कंपनी राइट हैंड पे क्या, मैंने कहा यार ये उसकी बोला नहीं, वो नहीं है ये वाली बच्ची। और बाकी ये सारे ऑल पर्स आजकल मैं दूसरा खुला दूध नहीं मंगवा रही हूँ, इसके लिए यही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो दूध बहुत सही नहीं आ रहा, तो इसी से चाय बना रहे हैं, इसी से मीठे बनाएंगे, और इसी से चोरी चोरी पी भी रही हो, ये नहीं बता रही हो, पीती नहीं, तुम्हारा रंग बता रहा है कि दूध पी रही हो तुम लोग। अच्छा, दूध मैंने जिंदगी में नहीं पिया, ये चाय पी के ये मेरा रंग हो गया। चलो ठीक है, चलो मैंने कहा चलो जो मेरी ग्रोसरी जैद को एक्चुअली मैं जाने नहीं दे रही थी, मैं वो आरिफ ने आना था करने, पर जैद कह रहे हैं कि मैं रक्षा में जाऊंगा, बाकी मेरे को अच्छा बात है, अभी अभी ये नेबर मुझे मिला जब मैं जा रहा था ना, तो कहता कहने था भी आपको छोड़, मैंने कहा दोबारा नहीं करना, मुझे हंसने लगे, मैं तो वॉक करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ भाई, मैंने नहीं जाना आपके साथ। ठीक है, आपका फोन बज रहा है या मेरा फोन बज रहा है? नहीं मेरा फोन। और सो यकीन करें तुम बहुत खा लो, इंडी सैलड की प्लेट अपने दो जने वाली, और आज ये तो हम तो अपनी मुबारक जबान का दस क्या होया कि चावल उबलने के लिए रखे, बनाने के लिए वो गैस चली गई, आधे उबले फिर वो इनकी कजन है, तीन चार घर छोड़ के रहती है, हीरा जो है मेरी, वो जाके उनके घर से बना के लाई रही जो है, वो करती है कुकिंग में भी और घर की उसमें भी, तो वो बेचारी वो पूरी देश की उसको उसमें लेके वो उनके घर पे गई, और वहां से उनके घर में सिलेंडर है जो कि अभी हमने लेना है, मैंने वीडियो में भी बताया, तो अब कितनी देखो अंदाजा हुआ कि कितनी जल्द से जल्द हमको सिलेंडर गैस है वो लेके घर में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, जल्दी से चले आ जाए, वहां से पका के वो लेके अभी आए। चलो देखो माशाल्लाह, मैंने कहा देखो ये सबके लिए मैसेज है, ये उजैर के अलावा बाकी उसामा शौकीन, सना भी दाल चावल की शौकीन, और लायबा भी, तो हम ये क्लिप बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके इसको नजर नहीं लगाना, हम तो खाएंगे पेट भर के, हर दो दो घंटे बाद खाएंगे, अब आप लोगों की किस्मत में नहीं, उधर बनाओ पकाओ खाओ, नहीं तो इधर पाकिस्तान आ जाओ, जब देखो ये दाल चावल बना के देंगे, मेरा मुंह पड़े पड़े हो गया। आप भी कैमरा लेके आए, मैं सुबह फजर पढ़ के मैं शुरू हो गई, मैं कह ऐसा कल की तरह गैस ही ना आया, और आपको लेके भी नहीं दे रहे दूसरा, क्या नहीं देखे, क्यों नहीं दे रहे यार, अभी यहाँ से इधर से अवेलेबल नहीं है, एक दो दिन में इंशाल्लाह हैदराबाद जाएंगे, तो क्योंकि अब यहाँ के काम जो जरूरी है वो हो जाए, तो फिर आज मेरा वो PTCL और उसके वो जो नेट का कनेक्शन लग जाए, फिर नेक्स्ट TV लगाना, तो PSL का फाइनल भी देख लेंगे, और वैसे भी TV जरूरत है, तू उधर तू ड्रामिया तो बगैर तू रह नहीं सकती, ये भी है, हुण उहदे विच तेरी तस्वीर पूरी नहीं आ रही, नहीं तो फायदा क्या, तो मेरी गर्दन कट रही है, सर कटा शैतान हो तो भी अपनी गर्दन तो लाओ बीच में। चल मैं यही आसवा कल की वीडियो का थोड़ा सा जवाब लोगों को दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे, ज्यादातर लोगों ने कहा कि अंकल आप वो सोलर पैनल, उसका मुझे इल्म है, मेरे कई हैं जो जान दोस्त कह रहे हैं उनके घरों पर लगे हुए ये सोलर पैनल वगैरह, उनके लिए है जो परमानेंट यहाँ जिन्होंने रहना हो, जो रह रहे हों उसके से थोड़ी बहुत सफाई हुई, और दूसरा ये कि वो अब आंधी बारिश उसके अंदर कहीं एक दोस्त के ऐसे उड़ आड़ के भी वो गए। दूसरा रीजन ये है, आप कहेंगे ऐसे उड़ कैसे उड़ सकते हैं, तो हमारी छतें भी कच्ची हैं, कच्ची छतें जैसे वो जिसको पुराने दौर की जो बल्लियाँ जिनको कहते हैं लकड़ी है और उसकी ईंटों की वो छत है, तो ये पॉसिबल नहीं, हमारे लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉसिबल मतलब हमें वर्थ नहीं करता लगा, वर्थ नहीं करता, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, फिर उसके बाद में सारी चीजें, और पहले इस घर की देखभाल करते हैं, करने के लिए हमने हेल्प हायर की हुई है, और पूरा अगर साल जैसे 1.5 साल नहीं आया तो घर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। हाँ ये और बात है कि फ्लडिंग जो हुई, बारिशें इतनी हुई, उससे जो छत खराब हुई वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ये है कि हमें जब आते हैं तो घर रेडी होता है, क्योंकि वो खुला रहता है, तो ये इसलिए
एक्स्ट्रा, और आप देखें हमने लिमिटेड चीजें घर में रखी हैं ताकि उस खराब भी ना हो, जाया भी ना, और बाद में हमें मतलब फिक्र भी नहीं होती कि बहुत ज्यादा उसकी। और मेरे मेरे नेबर लेफ्ट राइट और बैक गली में मशरूम बहुत अधिक है। जब आप इतने अरसे से ये घर भी 60-65 साल पुराना घर है, पहले पेरेंट से वहां से लेके जो भी है, तो नेबर अच्छे नेबर होना भी बड़ी वो किस्मत की बड़ी है। तो नेबर मेरे बहुत अच्छे हैं, कभी कोई इशू नहीं हुआ, कभी कोई घर में, लेकिन स्टिल हम ये सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी नेबरों पे डालें। ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल है, अब यहाँ भी लोग कहेंगे, इसमें शक कोई नहीं, अगर ऐसे घर में लगे हों और यहाँ हुआ खास में वो पैनल उतार के वो सोलर पैनल उतार के जोड़ लेंगे, आप क्या करेंगे? हाँ, हम यहाँ होंगे नहीं, नेबर भी ज्यादा 24 घंटे मेरे सोलर पैनल नहीं, 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 को तकलीफ क्यों देनी है? ना ना ना, ना, ना किसी इसके को आप ज्यादा तकलीफ ना दें, लेकिन हम ऑलरेडी मतलब ये है कि हम उसकी जरूरत भी नहीं समझ रहे फिलहाल, होगा वर्स कम वर्स विल बड़ा जो नहीं जनरेटर, एक चीज जनरेटर का शोर भी एक है कि इतना लगा लें उससे कुछ कम से कम थोड़ा सा, फिर वो ये करना चाहे तो ये इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं कि अपने घर का काम का थोड़ा बहुत हो जाए, बाकी ज्यादा बड़े ज्यादा पैमाने पे मेरे यहाँ तो दोस्त उन्होंने घर के पूरे इतना हो कि आप देखें ना, अब मैंने कल एक्स्ट्रा चीजें मंगा ली। रुकिए एक मिनट, मैं भी गया सारा शरीर पे रहा, वो मुझे जैसे मेहमान गेस्ट होता है, मैं उधर बाहर ही खड़ा हूँ, खुद वीडियो फ्रेम में आई हुई, फिर और वीडियो मेरी है, मेरी कह रही थी कैमरे तब वो आए मतलब दोनों में जाती है। तो कल यहाँ से दो चुपलियाँ निकली हैं, मैं जिस चीज को आग लगाती हूँ ना डरती हूँ, तो इसको मारती हूँ। मैं कल पूरी एक वीडियो उत्तर बना चुका हूँ, चुपकली थी और लग भी गई है। तो अब ये है बात आप लोगों की बिल्कुल दुरुस्त है, हो सकता है कि हम इतने जरूरत के मुताबिक पैनल लगा लें जिसके ऊपर कोई ऐसा फ्रिज चल जाए वो चल जाए, फिर वही बात है सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो इस बात का मुझे नहीं, नहीं, फ्रिज का तो लाजमी करना पड़ेगा क्योंकि फिर मतलब मेरी यहाँ की वहाँ की आदत है कि एक ही दफा ले लो चीजें लेकर, फ्रिज का कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं आप लोगों के आइडियाज अच्छे हैं, देखते हैं, लेकिन अभी हो सकता है इस दफा ना लगवाए, नेक्स्ट टाइम लगवा लें, इस दफा ऑलरेडी काम बहुत है, हम सोचे थे ये थोड़ा सा काम करवाएं, लेकिन कल वैन की और बादलों को देख के पता चला कि बारिश आने वाली, फिर हम चुप कर गए, हमने कहा एक दफा और बारिश हो जाए। अब ऐसा समझ से बाहर हो गया ये घर हमारे कि ये जो मैंने फास्ट सीलिंग कराई इसके अंदर लीकेज हो के छतें, वो तो अब मौजूद हो सर पे, जैसे लीकेज हो फौरन बंद करा रहे हैं, करते ये पूरे घर की छत में दिखाऊंगा एक दिन उसमें कौन सा ऊपर दे रहे बाहर, और वो पानी आते हैं जो बल्लियाँ हमारी हैं वो सारी पानी पानी हो गई, ईंटें सेम सब कुछ हो गया, और तो खड़का या तो खड़का कर ला या मेनू खड़का कर दे। आप खांस खांस है तो मेरा हाका राइट किसी वेले भी खा सकता मैं, बकौल आसपा के ये मतलब इनकी खानदानी का था, वहाँ बच्चों को समझा रही सर्जरी के दौरान मुझे जो खांसी उसके बाद जो इश्यू हुए सब आपको पता, खांसी खांसी खांसी, शुक्र है वो बेहतर हो गई, होने एक महीने के बाद जब ठीक हुई तो एक दिन मैं ऐसे खांस रहा तो उसामा हाथ कराया था पापा आपको खांसी, बोला नहीं नहीं ये फिक्र नहीं करो, ये सर्जरी वाली खांसी नहीं, ये इनकी खानदानी खांसी है। सोचो तो अच्छा ये खांसी ऐसी है कि जो उज़ैर को भी आती है, लाइक इसमें मतलब वो कोई ऐसी किसी को आपको भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, मैं ऑफेंड कब होता, मैं तो डिफेंड पे ही रहा, डिफेंडर हूं मैं, इनको भी आती है, उज़ैर को भी आती है, और क्या कहते हैं इनके घर में चश्मों का है, सबको चश्मे लगे हुए, तो उज़ैर को भी लगा हुआ है, लाबो को भी लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने लेज़िक करा लिया है तो अब जाहिर है वो। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हज गए, देखिए हज का इंशाल्लाह ये तो ऐसा है मालूमात, मैंने एक एक इसकी डिटेल सबको बता नहीं, लेकिन कुछ हमारी प्रोग्रेस हो हम उस पर लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग बता, कोई कहता है यू हो जाएगा, कोई कहता है यू, किसी रिजल्ट पे पहुंचे पासपोर्ट, हमें यही लगता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के बगैर आप पाकिस्तान से यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। एक दोस्त ने ये भी खबर दी है कि उनका एक दोस्त कैनेडियन पासपोर्ट पे गया पाकिस्तान से, अब ये सारी चीजें मुझे देखनी होगी, हमें देखनी होगी कि ये जब इनका रिजल्ट सामने आए तो मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो जल्द से जल्द, ये नहीं क्योंकि कोई मैं 4 महीने बाद बनाऊं, जब तक हज का पॉलिसी और हर चीज वो एप्लीकेशन वगैरह सारी वो खत्म हो जाए
तो बहुत जल्द मैं इसको ताकि लोगों का फायदा हो उसमें इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो पहले किसी तरफ हम तो बैठे फिर इस नहीं नहीं वो और हमने सर पैर जोड़ के वो पूरी की वहाँ से सना ने अप्लाई कर दिया था, हम वहीं पे थे जब, और यहाँ से भी किया है, जहाँ से भी हुआ इस दफा इंशाल्लाह कर लेना। हमने जैसे ही उधर से उनका बच्चों का आया कि यहाँ पे आपका नंबर आ गया, हमने यहाँ से भाग लिया, हमने यहाँ से भाग लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये फिक्र सिर्फ ये है जिस मराहिल से खास तौर पर मैं गुजरा, देखो वैसे तो कहते हैं जिंदगी मौत किसी को भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हो गया तो मुझे अब बड़ा शिद्दत से एहसास हो रहा कि काश ये हज मैंने पहले कर देखे। फरीजा है अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आपने ये हज करना लाजमी है, जिसके पास नहीं है उसके लिए नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने यकीन करे भिखारियों को जो भीख मांगते हैं लोग हैं उनसे भी सुना अल्लाह तुम्हारा भला करे मुझे उमरा करा दो या मुझे हज करा। भाई तुम्हारे ऊपर बनता ही नहीं हज करा दो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम दूसरा क्यों हज कराए तुमको। सो हज उसी ने करना है जिसके पास अल्लाह ने दिया है, ये कोई मैं को मौत भी नहीं, लेकिन आप बात बात कर सकते। तो अब हमें जो अल्लाह ने दिया था ये हम 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ बीच में मसाए लाते थे। तो भाई ने कल फोन करके कहा था कि किसी रियल एस्टेट के एजेंट जो है ये कहा है कि अगर आपके पास नाइकॉप कार्ड है, मतलब नाइकॉप तो है, तो उसकी कॉपी भेज दी थी। अब ये भी हो सकता है भाई कह रहा था तुम लोगों को कराची आना पड़े, तो मेरे को कोई मसला नहीं, तो हम आ जाएंगे कराची। तो अब आज पता चलेगा क्योंकि आज एक्चुअली एप्लीकेशन आज हो रही है, बैंकों में भरी जा रही है, तो जो खुश नसीब इस साल गवर्नमेंट का, लेकिन हमारा अभी टाइम लगेगा क्योंकि प्राइवेट करना है हमने प्राइवेट। और जो भी खुश नसीब है अल्लाह ताला जो जो लाइन में लगे हैं सबके लिए आसानियां पैदा करे सबको, आपको डिटेल में बताएंगे। और हमारी ये दुआ है कि मेरे बच्चे और आपके बच्चे, आपका पूरा खानदान, हम सब मुसलमान इस जगह पे जरूर जाएं। दुनिया तो घूमते हैं लेकिन यहाँ की ये जो चीज है ना, अगर आप हमने नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। चलिए इंशाल्लाह ये घर ऐसी ये जगह ऐसी है जिसपे बगैर बुलावा के नहीं जा सकते। जहर 2 साल से ट्राई कर रहे हैं कि उम्रे पे जाना, हज का लास्ट ईयर मना हो गया 65 जैद। और अच्छा हुआ क्या, जब मैं गई थी उम्रे पे उसामा के साथ, जब जैद ने इनकार कर दिया, जैद कहने नहीं मेरे पास तुम इस दफा उसामा के साथ चले गए, वो इनकार करना करके मुझे लग रहा है अल्लाह को पसंद, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, इस वजह से अब आपको ध्यान इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे ताकि उसका फायदा आप और फिर आप भी सोच लें यहाँ से अप्लाई करना करें, जैसे करना ये करना।